अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमान है और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं फजल ओके खुदा और राफ़ी शुएब। हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बैकग्राउंड ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। पार्सर यूजेज अ CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू वैलिडेट द इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस आउटपुट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। आउटपुट कुड एदर बी अ parse tree or abstract syntax tree. To interleave semantic analysis with syntax analysis phase of the compiler, we use syntax directed translation. So basically इसमें यही बताया है कि जो parser होता है वो context free grammar use करता है हमारी जो input string होती है उसे validate करने के लिए, और जो next phase होता है compiler का उसके लिए output produce करने के लिए। What is syntax directed translation? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आर ऑगमेंटेड रूल्स टू द ग्रामर दैट फैसिलिएट सिमेंटिक एनालिसिस। SDT इन्वॉल्व्स पासिंग इंफॉर्मेशन बॉटम अप एंड और टॉप डाउन द पार्सर ट्री इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स अटैच्ड टू द नोड्स। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन रूल्स यूज लेक्सिकल वैल्यूज ऑफ नोड्स कॉन्स्टेंट्स एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड टू द नॉन टर्मिनल्स इन देयर डेफिनेशंस। सो बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में हम कुछ इनफॉर्मल नोटेशंस एसोसिएट करते हैं, और वो जो नोटेशंस होती हैं वो कहलाती हैं सिमेंटिक रूल्स। हाउ इट इज़ मेड? द जनरल पर्पस टू सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज़ टू कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री एंड कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स एट द नोड्स ऑफ द ट्री बाय विजिटिंग देम इन सम ऑर्डर। इन मैनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग पार्सिंग विदाउट बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट ट्री। जनरल अप्रोच इसे बनाने के लिए यही है, इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए यही है कि आप एक पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करें और उसके नोड्स से उसके एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कंप्यूट कर लें, और आप जो नोड्स होते हैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, यहाँ पर एक ग्रामर दी हुई है। इस ग्रामर में हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल्स हैं, ई टी एंड एफ। फॉर ई, ई प्लस टी और टी। फॉर टी, टी मल्टीप्लाई बाय एफ और एफ। एंड फॉर एफ, आई एन टी एल आई टी। अबव मेंशन्ड इज अ ग्रामर टू syntactically validate an expression having additions and multiplications in it. To carry out semantic analysis, we will augment SDT rules to this grammar in order to parse some information up the parse tree and check for semantic errors, if any. हम इस ग्रामर में अपने SDT जो हैं syntax directed translation rules हैं वो apply करेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसके पास ट्री में पास करेंगे और एरर्स जो होंगे वो चेक करेंगे अगर होए। इन दिस एग्जांपल वी विल फोकस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एज वी डोंट हैव एनी सिमेंटिक असर्शंस टू चेक इन दिस वेरी बेसिक एग्जांपल। फॉर ई, ई प्लस टी, ई डॉट वेल इक्वल्स टू ई डॉट वेल प्लस टी डॉट वेल। फॉर ई, we have the non-terminal t, e dot val equals to t dot val. For t, t multiply by f, t dot val equals to t dot val multiply by f dot val. For t, we have the non-terminal f, t dot val equals to f dot val. For f, we have int lit. F dot val equals to int lit dot lexical val. For understanding translation rules further, we take the first SDT augmented to e goes to e plus t production rule. The translation rule in consideration has a val as attribute for both the non-terminals e and t. Right hand of the translation rule corresponds to attribute values of right side nodes of the production rule and vice versa. Generalizing syntax directed translation or augmented rules to a context free grammar that associate set of attributes to every node of the grammar, set of translation rules to every production rule using
एट्रीब्यूट्स, कॉन्स्टेंट्स एंड लेक्सिकल वैल्यूज। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि हाउ सिमेंटिक एनालिसिस हैपन्स। बेसिकली स्ट्रिंग है जी 2 + 3 × 4। टू इवेल्यूएट ट्रांसलेशन रूल्स वी कैन इम्प्लॉय वन डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवल्सर ऑन द पार्स ट्री। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन रूल्स डू नॉट इम्पोज एनी स्पेसिफिक ऑर्डर ऑन इवेल्यूएशन अंटिल द चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स आर कंप्यूटेड बिफोर पेरेंट्स फॉर अ ग्रामर हैविंग ऑल सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। Otherwise, we would have to figure out the best suited plan to traverse through the pause tree and evaluate all the attributes in one or more traversals. This diagram shows how semantic analysis could happen. The flow of information happens bottom up, and all the children attributes are computed before parents, as discussed above. Right hand side notes are sometimes annotated with subscript 1 to distinguish between children and parent. This is the end of our presentation. Thank you.